ये खिली खिली फिंगर लिकिंग मीठी सेवई देखने में जितनी सुंदर है खाने में भी उतनी टेस्टी, और जब भी खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। आइए देखते हैं कैसे बनती हैं ये मीठी सेवैयाँ बहुत ही आसान तरीके से। मीठी सेवई बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी घी, तो करीब 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को धीमे रखेंगे। घी को थोड़ा पैन पे फैला लीजिए और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े कटे हुए नट्स। तो आज मैं काजू, पिस्ता और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। इनको हल्का सा सौते करना है, तो एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा रोस्ट कर लें जिससे ये काफ़ी टेस्टी हो जाएंगे। याद रखिए, जब भी आप नट्स कुक करते हैं तो फ्लेम जो है बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पे डाल देंगे तो ये क्रिस्प नहीं होंगे और जल जाएंगे। ये देखिए, नट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। हम इनको वापस से बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें जो नट्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो इसमें हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसमें डालेंगे 1 कप भर के सेवई। तो ये नॉर्मल सेवई है जो कि हम नमकीन सेवई बनाने में यूज़ करते हैं। ये महीन वाली सेवई नहीं है, नॉर्मल वाली है। इनको अच्छे से सौते करेंगे और इनको गोल्डन कलर का होने तक भूनेंगे। ये देखें, सेवई भून के तैयार है। बस इतना ही भूनना है इनको। हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये सेवई एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम फिर से पैन को गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जिस कप से आप सेवई नापें उसी कप से आप पानी नापें और उसी कप से आप शक्कर नापें, तभी आपका प्रपोर्शन सही आएगा। पानी अब गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ रहा है। इसमें डाल देंगे हम रोस्टेड सेवई। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए। और जैसे ही बॉईल होने लगेगा हम आँच को बिल्कुल धीरे कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और सेवई के कुक होने तक इसको पकाना है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। सेवई कुक होते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, हम इन्हें चेक कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है। इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे शुगर। हम इसमें डालेंगे 3/4 कप शुगर। तो अगर आप शक्कर कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/2 कप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आँच को हम बढ़ा देंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बूंद ऑरेंज फूड कलरिंग के। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे बस हमारी सेवई जो है देखने में बहुत खूबसूरत दिखेगी। इसको मिला देंगे अच्छे से। तो इसको बस हम इस तरह से अब कुक कर लेंगे खुले में ही, जब तक कि जो शुगर है वो अच्छे से सेवई के अंदर तक नहीं चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप शक्कर सेवई के पूरी तरह कुक होने के बाद ही डालिएगा। अगर आप पहले से डाल देंगे तो शुगर कैरमलाइज्ड हो जाएगी और वो सेवई को कुक नहीं होने देगी। तो अब हम इसको पका लेंगे जब तक कि एकदम ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब ना कर ले। तो ये देखिए, चाशनी जो है एब्जॉर्ब हो गई है सेवई में। हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो आपको थोड़ा बहुत इसमें पानी दिख रहा है वो सेवई अपने आप ही थोड़ी देर में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे अपने रोस्टेड नट्स और थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रखूँगी। सेवई को मुझे रखे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये देखिए एकदम खिली खिली हो गई है, परफेक्ट बिल्कुल। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। बहुत ही बहुत मज़ेदार रेसिपी है। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।